विकसित होब भुवनेश्वर उपकंठ और जटणी आवासिक कॉलोनी पाई 438 रास्ता प्रकल्प को अनुमोदन देखते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एथिपाई खर्च होब 39,25,00,000 टंका तीन मासरे काम सारिबा को निर्देश दिया जाइछि। गत अगस्त मास 23 तारीख में 5T सचिव भिके पांड्यान खोर्धा जिला गस्त समय संप्रक्त अंचलवासी भेटी आवासिक कॉलोनी रास्ता और विद्युत व्यवस्था प्रति दृष्टि आकर्षण करने सहित ए सबु समस्यार समाधान पाई अभियोग पत्र प्रदान करिथिले। ए संपर्क में 5T सचिव मुख्यमंत्री को अवगत कराइथिले। मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे एक वैषयिक टीम गठन करा जाए से सबु अंचल को अनुध्यान पाई पठा जाइथिला। वैषयिक टीम से सबु अंचल 438 रास्ता जहां 82 किलोमीटर अधिक अंचल को चिन्हट कर उन्नतीकरण विद्युतीकरण रिपोर्ट प्रदान करिथिले। रिपोर्ट पाइबा परे 5T सचिव संप्रक्त आवासिक कॉलोनी बासिंदा सह गत सेप्टेम्बर 27 तारीख में से सबु अंचल उन्नतीकरण आलोचना करते मुख्यमंत्री ए 438 रास्ता प्रकल्प निर्माण पर मंजूरी देते स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर निकट अतीत द्रुत परिवर्तित हो जटणी और बालियंता अंचल को परिव्याप्त हो सबु अंचल बहु आवासिक कॉलोनी गढ़ी उठी। आवासिक कॉलोनी आभ्यंतरीण रास्ता और विद्युतीकरण समस्या दीर्घ दिन दाबी रही 438 रास्ता प्रकल्प मध्य भुवनेश्वर ब्लक 140 जटणी ब्लक 246 और बालियंता ब्लक 43 प्रकल्प रही। ए सबु अंचल रास्ता निर्माण उन्नतीकरण विद्युतीकरण कार्य हो सबु प्रकल्प मध्यम 3,00,000 अधिक जनसाधारण उपकृत हेबे। प्रकल्प कार्य 3 मास मध्य संपूर्ण करने मुख्यमंत्री निर्देश देते। अधिक आलोचना करिबा आम सहित चिन्मय महापात्र भुवनेश्वर रिपोर्टर जोड़ी होती। चिन्मय, भुवनेश्वर उपकंठ एवं जटणी जो विकास विकसित अधिक करने 438 रास्ता प्रकल्प को मुख्यमंत्री अनुमोदन देते। चिन्मय शुणिपार आम जोड़ी हवा परवर्ती समय रे दो आवासिक कॉलोनी 438 रास्ता काम पाई जो विकास करने वर्तमान समय अनुमोदन मिली 438 रास्ता प्रकल्प को अनुमोदन देखते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एथिपाई 39,25,00,000 टंका खर्च होब एवं एही काम को 3 मास मध्य सारिबा निर्देश मध्य दिया जाइछे। अधिक आलोचना करिबा चिन्मय महापात्र भुवनेश्वर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती। चिन्मय, जो रास्ता प्रकल्प को मुख्यमंत्री वर्तमान अनुमोदन दे 438 रास्ता प्रकल्प को अनेक लोक उपकृत मध्य हेबे एवं भुवनेश्वर उपकंठ और जटणी मध्य अधिक विकसित हेबो। देखो अगस्त 23 तारीख में जिते मुख्यमंत्री सचिव तथा मंत्री सचिव देखिए पांडान जो खोर्धा जिला गस्त करते हैं से देखिए भुवनेश्वर बालियंता और जटणी ब्लक आवासिक कॉलोनी गुड़िक जो रास्ता और विभिन्न प्रकल्प पर लोक मैंने अभियोग करते अभियोग पत्र विचार से लेकिन आज देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर जो जन अभियोग जो समाधान कर जानते हैं पाखापाखि जो 57,000 अधिक अभियोग आ45,000 अधिक समाधान रात पिछाई से ही मर्म जो देखिए भुवनेश्वर बालियंता जटणी ब्लक जो आवश्यक कॉलोनी पाखापाखि 429 रास्ता प्रकल्प को आज मुख्यमंत्री अनुमोदन देते हैं पाखापाखि 39,25,00,000 टंका खर्च हम तयराज मध्य कर 3 मास मध्य मध्य काम सर निर्देश दिखाई कारण आप जानते जो सीएम विभिन्न जिला गस्त करते लोक मैंने जो अभियोग करते जो युद्धकालीन भितर लोक अभियोग समाधान करने सीएम अति संख्या मिले जो कि आज जो देखिए ये जो सहज था जो रास्ता और विद्युत व्यवस्था जो समस्या था ताकि दृष्टि आकर्षण करते दावी पत्र देते जो लोक मैंने 5T सचिव मुख्यमंत्री को आसिक अवगत कराइले तार समाधान बाट बाहर कर देखिए जो वैषयिक टीम से सब अंचल को गस्त करके पाखापाखि 429 रास्ता जहाँ 80 किलोमीटर अधिक अंचल तार रास्ता उन्नतिकरण विद्युतकरण गुरुत्व दी जो रिपोर्ट आसा सेप्टेम्बर सुधा आप जानते हैं जो उन्नतिकरण नहीं आलोचना कराइला ताकि मुख्यतः जो देखिए स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर निकट में जटणी बांदी अनुसार अज्ञात कणार अभियोग आसला
ଏସବୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ଗୁଡିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। निश्चित भाव निर्दिष्ट समय सीमा भितर कार्य सारे निर्देश रही जहाँ कहुच्छे सब् प्रकल्प मध्यम तीन लक्ष अधिक जनसाधारण उपकृत होते बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्मय महापात्र आम सहित जोड़ी होते भुवनेश्वर रिपोर्टर अधिक ए संपर्क में आलोचना करूँ।